आपने अपना कीमती समय हमें दिया, ये बहुत बहुत शुक्रगुजार है इसके लिए हम आपके। और ये छोटा सा हमने कुछ नाम सुना है, चाहते हैं तो उसको अपनी शुभकामनाएं। पहले तो उपस्थित सभी गेस्ट जी वालों को मेरा प्रणाम। आई होप कि आप सब और आपके घर वाले सब सेफ हैं। दौर कुछ ऐसा चल रहा है आजकल, चिंता मत करिए। मैं मुझे थोड़ी सर्दी लगी लेकिन वो एक एलर्जी है, मैं अभी कुछ बीजों के साथ खेल के आया हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं, मास्क है मेरे पास। पहले तो मैं आबिल भाई, संजीव और साहिल को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आरुभा ने कहा कि शुरुआत छोटी हुई है लेकिन हर चीज़ की शुरुआत छोटी होती है। एंड हम सब आपके वेल विशेस हैं, यहाँ पे सपोर्ट हमारा अमेज रहेगा आपके साथ। आई एम श्योर कि आप बहुत तरक्की करेंगे। एक और चीज़ आरुभा ने कही, ये ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो यूथ को, बच्चों को प्रोत्साहित करें रिगार्डिंग। आजकल इतना कंटेंट बढ़ रहा है लेकिन इतना क्या शब्द का इस्तेमाल करना वाहियात जो हमारे यूथ को करप्ट कर रही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी प्रोडक्शन हाउसेस का निर्माण हो जो एक्चुअली गुड क्लीन कंटेंट बनाए। एंड इंशाल्लाह मैं भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूंगा आगे जा के। अगर आप हालांकि सुनील सर हमेशा हंसाने के लिए जाने जाते हैं और अश्विन सर से भी बोला कि मैं शायद लेता हूँ आपको हंसाया नहीं हंसाया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अपने पति को गमला फेंक के मारा था, वो तो झूठ गया, मेरी झूठ गया। तो भैया ख्याल रखना चाहिए। और अब अगर आपने मुझे कुछ कहने के लिए भूल ही दिया है तो अश्मित भाई सामने खड़े हैं। कोरोना में दो लोगों का थोड़ा नुकसान हुआ, खासकर अश्मित भाई के जो को-स्टार है इमरान हाशमी साहब। उनको ऐसी जगह पर मास्क पहनना पड़ा जो उनका मेन धंधा था। और सनी लियोनी के लिए खुशी की खबर है कि कोरोना का थैंक्स कहना पड़ेगा कि उसके चक्कर में ही सही मास्क तो पहने उसको। तो ये हमारे कोरोना में बहुत सारी बातें हुई लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है और हम सब यहाँ पर जैसे कि माधव फिल्म्स और ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्म का मुहूर्त होने वाला है अबीर भाई की तरफ से। अबीर भाई भी बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, बहुत ही हैंडसम इंसान है, ऐसा हमको खुद का मानना है। पर उनका काम देख के हम भी मानने लगे, बंदा दिल का साफ और दिमाग का भी साफ है, मतलब दिमाग में भी कोई गंदगी नहीं, इसलिए इनके प्रोजेक्ट में कोई गंदगी नहीं, काम में कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरा काम करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्दी सपा ज्वाइन करेंगे, तो स्तर से सपा काम कर रही है, सपा से काम कर रही है। सपा की तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एसपी हूँ सुनील पा। लेकिन राजनीति की बात आज हम नहीं करते हैं, हम कलाकारों की बात करते हैं। अश्मित भाई को देख रहे हैं आपकी मास्क पहने हुए, ये रेगुलरली नियम का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां। लेकिन कभी कभी ये इतनी ज्यादा अतिशोक्ति हो जाती है कि बातचीत करते हुए उनके सामने वाले के सामने ये मास्क नहीं निकालते, उनका ये कौन सा कम्युनिकेशन है? बोले मास्क कम्युनिकेशन। एक बार तो कॉफी पी रहे तो मास्क के ऊपर कॉफी पी ली, ये कौन सी कॉफी? बोले फिल्टर कॉफी।
क्या है WHO जो है एक कोई कंपनी है WHO जो जो डराने का काम करती है। जैसे हम लोग कोरोना वहां से फ्री हुए, चलो भाई कोरोना से फ्री हो गए, कोरोना टू आ रहा है, वहां से फ्री हुए ओमिक्रॉन, अब पता नहीं कौन सा कोरोना आएगा। लेकिन मैंने कहा ओमिक्रॉन दुनिया में किसी का कुछ भी बिगाड़ ले, हमारे हिंदुस्तानियों का, हमारे भारतीयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके नाम में ओम है, और जहां ओम नाम होता है वहां पर हमारी सुरक्षा हो ही जाती है। चुनौती ओमिक्रॉन है, ओम हमारा क्रॉन है, वो हमारा ताज है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और कुछ प्रॉब्लम कभी हो भी नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना है इसे जितना नियमों का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन डरना वरना नहीं, काम शुरू करना है, फटाफट शुरू करना है। हमने भी फिल्म बनाई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, उसी पीरियड में बना दी थी, तो शेवारो भी पर स्ट्रीमिंग हो रही है, ज़रूर देखिएगा, आप भी देखिएगा वैसा शेवारो भी पर। और बाकी एक छोटा सा जोक सुना के मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कि मुझे पता है कि अब आप और भी कलाकारों को भी हमारे मेहमानों को सुनना चाहते हैं। EMI वाले फिर भी चक्कर काट रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना में सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, महिलाओं का टेंशन, ब्यूटी पार्लर बंद था, ब्यूटी पार्लर का शॉर्ट फॉर्म BP की हुआ मुझे तब पता चला। ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहते पता है आपको? ब्यूटी पार्लर को हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र, क्योंकि बहुत सारे कांड वहाँ पे सुंदर होते हैं। एनीवेज गुंडे ने मुझे बताया था, शरीफ हो या गुंडे सबके चाहते हैं रमाकांत मुंडे। मुंडे ने मुझे तो मास का फुल फॉर्म भी बताया, बता दो भाई साहब, MASK मास का फुल फॉर्म है मेरा आपका सुरक्षा कवच। देखो मैं अच्छे से पूछ रहे, तो मैं हाँ, तो EMI वाले जो है फिर भी कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला था जबरदस्ती मत करना, जिससे मिल जाए तो ले लो और हमें भी दिला दो। तो रमाकांत मुंडे साहब के घर पे गया पीपल, और जबरदस्ती करके सब तक गाने भी शुरू हो गया, दरवाजा खोलती, हाँ जी कौन हो? अरे ए किसे से बात कर, अरे किसको बोला? नहीं रिकवरी एजेंट आर ए, हाँ क्या चाहिए? तो अब समझ गया कि गुस्से में, तो गाने भी शुरू किया, तेरे घर पर सर हम चले आए, EMI नहीं आया तो हम चले आए, चले आए कुछ भी आए कुछ दे जाए। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं है, अश्विन भाई के पास ट्राई करो। तो अश्विन जाकर पोर्टल करके उनसे कहते हैं बिन तेरे कोई आस भी ना रही, पानी पियोगे इतना तड़पे के प्यास भी ना रही। बोले अश्विन के पास नहीं मिला, अबीर के पास नहीं मिला, तो मेरे पास कैसे मिल जाएगा? लेके अपना भरम चले आए। तो इस तरह से भैया EMI वालों ने हर तरह की कोशिश की, जो मिला वो लिया, लेकिन फिर भी हम सभी से, बैंक वालों से, स्कूल वालों से, जितने भी लोग जो फीस लेने का काम कर रहे हैं, खुदा के लिए हमें परेशान करना बंद करें। नो कमाई नो EMI। अगर आपको चाहिए EMI तो करो हमारी कमाई। अभी भाई से देखो, अभी भाई ने हमारी कमाई का साधन ढूंढ लिया है, आज ही हमें वो साइन करने वाले हैं। जोरदार तालियां अभी भाई, आई आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बड़े प्यार से सुना, इतना प्यार से मुझे घर वाले भी नहीं सुनते, जो लोग नहीं सुन रहे थे वही मेरे घर वाले। Yeah.
हजारों साल हम सब की है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नरमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब माधव मूवीज का किंग रुकने वाला है और ये बहुत ही गोल्डन मोमेंट है, बहुत ही प्यारा मोमेंट है। कल्याण ऐसे मौके को रखना चाहेंगे। चलिए भाई वहीं से ही से जाएगा। ऑल द पार्टनर्स ऑफ माधव फिल्म्स, अरे राकेश भाई बैठो यार, अरे होके देखोगे फोटो। चलिए चला आप हमारे माधव मूवीज का ये दूसरा क्या कट रहा है। चलिए जस सर, सुनील सर और अश्मित सर के आते हो। और फेलू जैन जो कि हमेशा कल्याण जी जाना का हम साया बने रहे। आबिर भाई को मैं तकरीबन 4 या 5 साल से जानता हूँ, उससे ज़्यादा होगा शायद। और जिस प्रकार के इंसान हैं आई थिंक कि सबको पता हो गया होगा अब तक, क्योंकि सब जो हमारे गेस्ट आए हैं आज इन्हीं की वजह से आए हैं, इनकी जो गुडविल है। एक जैसे सुनील भाई कह रहे थे, क्लीन इंसान है, बहुत ही प्योर इंसान है। और आई थिंक आज की डेट में ऐसे इंसान से मुलाकात करना मिलना बहुत कम होता है, एंड ऐसे रिलेशंस बनाए रखने में मैं बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। जिस जैसे कि उन्होंने कहा कि क्लीन कंटेंट करना चाहते हैं ये, जैसे क्लीन इंसान ये है, क्लीन कंटेंट करेंगे। तो आई लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी हमेशा रहेंगी आप सबके साथ। एंड लाइक आई सेड कि इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग साथ में भी काम करेंगे, एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। ये तो कहना चाहूंगा, ये तो आगे भाई की बात हुई, आप मीडिया इंडस्ट्री से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे, तो आपका सपोर्ट कितना रहेगा आगे चल के, आप इनके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कितने उत्साहित हैं या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट चाहते हैं कि ये बनाए आगे चल के? जैसे मैं अभी कह रहा था कि क्लीन कंटेंट की बहुत कमी है और ज़रूरत है, एंड आई थिंक कि अगर ऐसा कुछ इनके पास हो जो वो मेरे पास लाते हैं तो डेफिनेटली मैं इनके साथ काम करूँगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप ऐसा कर रहे हो। अस्मित, आप भी करीबन 17-18 साल इंडस्ट्री में ज़्यादा, तो आपका कैसा रिलेशनशिप रहा है मीडिया से और जर्नलिस्ट से, और क्या कहना चाहेंगे आज के दौर पे जो इस तरह का मीडिया कंटेंट होता है, जिस तरह के न्यूज़ कवरेज वगैरह होते हैं जी एंटरटेनमेंट में खासकर, उसके बारे में कुछ बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी भाई जर्नलिस्ट हैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा हमेशा अच्छा रिलेशन रहा है मीडिया के साथ, मैं थोड़ा सा मीडिया शाय हूँ, इतना मैं पीआर वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं गायब हो जाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा से काम करते आ रहा हूँ। मेरा कोई पीआर एजेंट कभी रहा नहीं है, आई डोंट थिंक कि आगे जाके भी मेरा कोई पीआर होगा, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। स्टार्टिंग में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी मेरी, लेकिन आई थिंक दैट्स 15-20 साल पहले की बात है, बट तब भी मुझे सपोर्ट मिला था आप लोगों से, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड बस आप लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है टू शोकेस द राइट थिंग्स, एंड आई थिंक कि अगर आप लोग इस पावर का सही इस्तेमाल करें तो वी कैन मेक आर कंट्री प्रोग्रेस अ लॉट। सो क्या करते हैं कि अस्मित सर आए आपके इवेंट में और भी कई गणमान्य लोग आए हैं, कितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल मान रहे हैं उनको इस इवेंट में आके? देखिए मैंने छोटी सी शुरुआत की है, हम लोगों ने तीनों ने मिल के, हमने साहिल ने संदीप ने और आप सब लोगों ने अपना टाइम दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनको लगा कि हाँ वाकई में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ,
काफ़ी पुराने रिलेशन है। जब मैं मुंबई आया था पहली बार तब अस्मित जी से मिला, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक स्टार है, हमेशा भाई की तरह प्यार दिया। उसमें जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी ने बिल्कुल रिलेशन भाई का रखा मेरे साथ। तो प्रोडक्शन से लॉन्च कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबा सफर रहा होगा आपके दिमाग में, ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से होगी, क्या चुनौतियाँ हुई, किस तरह से देखते हैं आगे, विजन क्या है आपका इस प्रोडक्शन को लेकर, और जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कीजिए, किस तरह का प्रोजेक्ट्स होगा या जो भी कर चुके हैं आप पास में उसके बारे में बताइए। देखिए आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड बहुत आगे चला गया है और आने वाला भी टाइम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल का है, लेकिन डिजिटल पे दिया क्या जा रहा है, समाज में इसका क्या संदेश है। बहुत सारी चीज़ें पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है कि गंदगी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो हमारी कोशिश ये होगी हम उस लीक से थोड़ा सा हटके चलें, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना करके दें जिससे लोग, एक बाप अपने बेटे को कहे कि उसको ज़रूर देखना, या बेटा अपनी बहन से कहे, सॉरी, या बेटा अपने माँ से कहे, भाई अपनी बहन से कहे, एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना करके देना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या क्लीन एंड नीट की बात कर रहे हैं या क्या, किस तरह का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि कैसा आपका थीम क्या होना चाहिए बेसिकली जो आप पेश करेंगे प्रोडक्ट को? देखिए हमारी जो भी थीम होगी वो सिर्फ और समाज के लिए संदेश होगी, वो किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। सर आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा और अभी भाई के बारे में और अश्विन सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप जी मैं सर प्लीज कैमरा। आज मेरी फर्स्ट टाइम पहली मीट आपके साथ, तो पहले तो सबको नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बस इतना मैं जानता हूँ कि मैं जब मुंबई में आया था तो वीर भाई मेरे पहले दोस्त थे, तो हम 2 साल से साथ में हैं, तो जो भी है बस चल रहा कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। सभी को नमस्कार मेरा, जैसे कि हम भी साथ में ही थे साहिल और मैं, और हमारी अबीर भाई से दोस्ती आ रही, और हम बहुत समय से सोच रहे थे कि कुछ नया करें, कुछ चालू करें, ऐसा जो कुछ मैसेज रहे या ऐसा कुछ रहे, तो वो सोच से हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमारी लाइनें बनी और हमने इस चीज़ पे काम किया माधव मूवीज़ पे, और माधव मूवीज़ प्रोडक्शन चालू किया और इंशाल्लाह चाहते हैं कि सब आगे अच्छा चले। इससे अच्छा सर ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कॉन्ट्रोवर्सी की बात की, आपने कभी अच्छी फिल्में भी की हैं 16-17 साल जो भी आपका कैरियर रहा है इतना, लेकिन एक न्यूज़ पब्लिकेशन ने ये भी पब्लिश किया है कि आप फेमस रहे कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादा, बसरते फिल्म की अगर बात करें तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को, आपका जो फेम फैक्टर है इतने सालों में, आप बताइए आपको क्या लगता है? सर वो आप बताइए, क्या कोई इंसान सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी से अपना करियर 16 कितना साल का, कितने साल का आपने, आई थिंक 19 ईयर्स हो गए, आपको लगता है ऐसे हो सकता है? सो आई थिंक यू हैव योर आंसर। एंड लास्टली सर, बिग बॉस इज रनिंग एंड अभी जी यू नेक्स्ट स्पेंड बिग बॉस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप भी पड़ाव पर है बिग बॉस जी, एक हफ्ता बचा है, आप देखते हैं कौन जीतेगा आपकी नजर में, क्या एंट्री मारना चाहेंगे अभी लास्ट टाइम पे? मैं एक्चुअली बिग बॉस देखता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मेरी एक फ्रेंड है शमिता इस शो में, तो मुझे लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ही जीतें, तो मैं चाहता हूँ कि शमिता जीतें, और रही बात अगर मुझे ऑफ़र मिलता है जाने के लिए तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा फिर से, एक बहुत प्यारी यादें हैं, एंड आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रीविजिट एंड रीलिव दोस मेमोरीज फॉर श्योर। आई हैव नो आइडिया, मैं देखता ही नहीं, जरूर जरूर जाना चाहूंगा, क्यों नहीं। यू आर शूटिंग फॉर अ फिल्म आल्सो, उत्तराखंड में शूट हो रहा था, कल कश्मीरा शाह आई थी वहां से, तो उन्होंने कहा कि करण जो है वो इग्नोरेंट है, या उनके बारे कहा कि ही इज नॉट डूइंग राइट थिंग इन बिग बॉस, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो भी आपकी फिल्म का हिस्सा है कश्मीरा जी, तो क्या कहना चाहेंगे करण के बारे में? करण कौन, मैं देखता नहीं हूं, तो आई हैव नो आईडिया गाइस, शो में फिल्म के बारे में बताइए, जो शूट कर रहे हैं उसका क्या सब्जेक्ट है? मैंने फिल्म का नाम है ड्रीमी सिंह, और टाइटल रोल मैं कर रहा हूँ सिंह साहब का, एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है, एक आदर्शवादी पुलिस ऑफिसर था, लेकिन ऑब्वियसली मैं पता है कि जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो लोगों को दबाया जाता है, तो उसी वजह से उसने पुलिस फोर्स छोड़ा है, डिटेक्टिव एजेंसी खोली है, और पुलिस में उनके जो एक्स कॉलीग्स हैं, एक बहुत ही एक सीरियल किलर्स का दौर चल रहा है, एंड पुलिस इज़ एक्चुअली फ्लमक्स की ये हो क्या रहा है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो मुझे कॉल करते हैं उस केस में थोड़ी सी सहायता देने के लिए, तो ये मोटा मोटा आई कांट रिवील टू मच, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और इंटरेस्टिंग लोकेशंस वगैरह सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्यारी फिल्म बनी है। आपका
अभी जी आप क्या कहना चाहेंगे अस्मित जी का, जो कौन सी फिल्म में है अस्मित जी का जो किरदार, किस तरह का रहेगा और क्या रोल रहेगा? देखिए उसके लिए कोई अच्छी सी कहानी देखी जाएगी, उसको समझा जाएगा। अगर वाकई में कोई ऐसी कहानी मिलती है जो एक समाज को संदेश दे और उसमें अस्मित जी फिट होते हैं उस रोल में, तो हम जरूर अस्मित जी के साथ में काम करेंगे। श्योर। कोई ऐसा रोल है जो आज तक आपने नहीं किया, आपको अब मुझे रोल करना है ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए? कॉमेडी करना चाहता हूँ सुनील भाई के जैसे, अभी तक फुल ऑन कॉमेडी फिल्म नहीं की मैंने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेरे, एक 5 मिनट ले लो मैं। आराम से, 5 मिनट का ले लो।